मातृत्व द्वारा नारी जीवन रो पूर्णता आसे बोली कहा जाए। लोककथा अनुसार दश मास दश दिन गर्भरे धरी जेतेबेले मा तार स्वप्नर अदेखा संतान को ता कोळरे पाए ता मनरे सृष्टि हुए अफुरंत आनंद। शिशुर ठुकुठुकु चाली सहित खिलिखिली हसरे मा पाइथाए स्वर्गीय आनंद। तेबे समय समय रे किछि शिशुंकर त्रुटिजुक्त शारीरिक विकास देखा जाए। अन्यमानक सहित सामाजिक भाव विनिमय और जोगाजोगरे समस्या उपजे। सीमित तथा पुनःपौनिक व्यवहार देखा जाए। अनुसंधान रु जना पड़ी 2015 रे सारा विश्व रे 24.8 नियुत जन एही समस्या रे पीड़ित थिले। 1960 मसीहा परठारु एही समस्या बढ़िबार लगी। विकसित देशगुडिकरे एही स्वास्थ्य समस्यार प्रादुर्भाव बेसी। आपण अनुमान करिपारथिबे एही संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या संपर्करे। ऑटिज्म एक समस्या जहाँ साधारणतः 2-5 वर्ष शिशु मानक मध्य देखा दे था। ये शिशुर विकास व डेवलपमेंट कि व्यतिक्रम होता है। यार मूल लक्षण गुड़िक है पुअर सोशल इंटरैक्शन, मान शिशुटी निज बापा माँ कि भाई भी मान संगे ठीक भाव इंटरैक्शन कर पुअर कम्युनिकेशन कथ कह डेरी हम निज विषय अन्य मानक जन असमर्थ हम कि एबनॉर्मल वे जनइब एवं परवर्ती पर्यायर एबनॉर्मल रिपीटेटिव मूवमेंट हम जमी गोटे कथा को बारंबार दोहरइबा हाथ गोड़ हलैवा हाथ गोड़ जो गोटे हलैवा गोटे जगह छिड़ा होकर नाचवा एवं बेले बेले से गोटे शब्द को बारंबार दोहराइ था। जेकोसी स्वास्थ्य समस्या चिकित्सा पूर्व तार संपूर्ण कारक गुड़ी खोजाक पड़ थाए कारण गुड़ी जान ले चिकित्सार बाट बाहरी थाए। ऑटिज्म का कारण सठिक भाव में एजाए जनापड़ी ना किंतु यह वंशगत नुह संक्रामक नुह केते गुड़े कारण केते गुड़े रोग रे जमीक ट्यूबरस्क्लेरोसिस आउ फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम यही सब रोग गुड़ाक ऑटिज्म परिमाण अधिक मात्रा देखा मिलता है। जदि माँ मान डायबिटीज थी गर्भावस्था तेल शिशु को ऑटिज्म हबार संभावना बढ़ी जाए था। प्री मेच्योर बेबी मानकर टी ऑटिज्म संभावना बहुत अधिक परिमाण देखा जाए था। आज आधुनिक जुगरे ऑटिज्म संपर्क में अनेक भ्रांत धारणा रही। यही ऑटिज्म रे पीड़ित शिशु मानू भिन्न चक्षुर आम समाज देखुची। तेरे समस्त जानवा उचित जे विश्वविख्यात वैज्ञानिक आलबर्ट आइनस्टाइन एभली एक स्पर्शकातर समस्या रे पीड़ित थिले। सेमाने मेंटली रिटार्डेड नुहंती बरंग सेमाने केतेक क्षेत्र रे जेमते कि कला विज्ञान कंप्यूटर ए आर्ट एगुड़ाक बहुत अधिक परिमाण में साधारण शिशु आहरी अधिका सेमाने थांती भल थांती तेणु से उपयुक्त प्लाटफर्म जगेबा उपयुक्त भित्तिभूमि जगेबा हला आम अभिभावक मानक दायित्व जमीक बापा माँ शिक्षक शिक्षयित्री एवं आम सोसाइटर दायित्व से सब सुजोग दबा मानसिक विकलांग धरी नाटा भूल हम बहुत गुड़े बड़ बड़ साइंटिस्ट जमीक आलबर्ट आइनस्टाइन जो मैंने कि ऑटिज्म आक्रांत हो दुनिया को बहुत बड़ बड़ पार्टी। यही स्वास्थ्य समस्या लक्षण संपर्क में पितामाता आत्मीय स्वजन कहीं आम समस्त जानवर आवश्यकता रही। जन्मरु शिशुटा ऑटिज्म रोग में आक्रांत थाए किंतु तार सब प्रकार साइन सिम्टम देखिकी डायग्नोसीस करने मिनिमम 18-24 मास दरकार पड़े। ऑटिज्म आक्रांत शिशु जन्मरु किछटा लक्षण देखा जाए था जोटा कि चिन्हट करबा को संभवपर हुए ना जमीक शिशु को जिते आम कोई नौ से कौन से प्रकार रेस्पन्स देखाएनि निज दुनिया से थाए निजे निजे खेलु थाए आखि को आखि अनाए ना कथा कहबारे डेरी हुए गोटे शिशु 9 मास बेल को बाबलींग करा कथा मैंने माँ माँ बाबा एमती कह कथा जोटा कि हुए ना गोटे वर्ष बेलू शिशुटी आंगुली निर्देश करके निजर रिक्वयरमेंट देखा कथा से जिन भी करें 18-24 मास शिशुर साइन सिम्टम गुड़ाक संपूर्ण भाव में जो देखा जाए से समय केवल आम ही डायग्नोसीस ऑटिज्म उभय परिवेश और जेनेटिक कारण हुए। गर्भावस्था रुबेला संक्रमण यार कारण बोली कह किंतु मस्तिष्कर स्नायुकोश गुड़िकर सठिक चालना न हो पार्थे अनुमान कराए। विगत 2 दशंधि है वैज्ञानिक मैंने MMR एवं ऑटिज्म विषय चिंता कर किसी कनेक्शन अच्छी कि बोली किसी रिलेशन अच्छी कि बोली एवं यह संपूर्ण भाव में प्रमाणित हो सारी MMR टीकाकरण ऑटिज्म का कारण नुह तेणु आमर बापा माँ मान को अनुरोध जे शिशु ऑटिज्म आक्रांत शिशु को समस्त प्रकार टीकादान करी टीकार
टीका जनित रोग शिशु को रक्षा करूँ ना शिशुटी गोटे गोटे ऑटिज्म रु जाकि आउ गोटे रोग से आक्रांत होधिका असुविधा संभावना अच्छी। अनेक समय रोग को नहीं परिवार भितर मनांतर एवं मतांतर सृष्टि हुए, परिवार भितर विशृंखला मध्य सृष्टि हुए। माँ बापा माने प्रथम जानिबा कथा जे ए समस्या पई निज निज को दायी करबा कथा नुह, जदि जते जल्दी से माने ए समस्याटा को एक्सेप्ट करिवे ग्रहण करिवे सेते जल्दी से माने चिकित्सा पई पद्धति चिकित्सा पद्धति को अवलंबन करि परिवे एवं पिलाटा को आर्ली डिटेक्शन हेले आर्ली इंटरवेंशन हेले शिशुटा नियर नॉर्मल हे जाई परिवो। प्रतिटी स्वास्थ्य समस्यार चिकित्सा पई अविरत गवेषणा जारी रहिछि। आधुनिक जुगरे एही रोग पई चिकित्सा मध्ये उपलब्ध, किंतु कथा हला प्रारंभिक लक्षण संपर्क रे जानिबा। ऑटिज्म गोटे क्यूरेबल डिजीज न, एमती बहुत गुडे रोग अछि जेमती डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सोरियासिस, लिवर डिजीज, सब रोग संपूर्ण क्योर नाही, किंतु आर्ली डिटेक्शन माने जल्दी जदि आमे चिन्हट करि परिबा एवं एप्रोप्रिएट थेरापी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जदि आमे ताकु देई परिबा ताहेले ऑटिज्म रो जो कॉम्प्लिकेशन गुडाक अछि से थरो ताकु दूरै देई परिबो एवं शिशुटी मूल स्रोत को आसी परिबो। एही समस्यार चिकित्सा पई अभिभावक एवं विशेषज्ञक मध्यरे एक विशेष संपर्क सृष्टि हेबा दरकार, तेबे जाई संभावना सृष्टि हेबो। ऑटिज्म रो चिकित्सा पई गोटे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम दरकार, जो टीम रे कि गोटे पेडियाट्रिशियन किंबा डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट मूल भूमिका ग्रहण करथांती, सेमाने प्रथमे ऑटिज्म को डायग्नोसिस करिबा चिन्हट करिबा एवं केन्द्रबिंदु केन्द्रें रही अन्य समस्त थेरापिस्ट मानक नहींक पिला को ठीक रास्तार मूल लक्ष्य आने चेष्टा करते। प्रथमतः ऑडियोलॉजिस्ट आवश्यकता अच्छी, जो मैंने कि तार श्रवण शक्ति विषय जापर एवं तार लैंग्वेज के डेभलप कर देखिपर एवं स्पीच थेरापी देकि तार स्पीच प्रॉब्लमटा को ठीक करें। ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट मैंने अच्छा जो मैंने कि साहय करेंगे जमीक एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ दैनंदिन जीवन में जहाँ किसी कराए जमी ब्रश करवा ड्रेस पिंधा निज काम को निजे यही सब विषय से पचर था ठीक करने चेषा करते। ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन मान गए सेंसरी प्रॉब्लम था, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी से दि जाए नॉर्मल स्टिमुलाई को नॉर्मल स्टिमुलाई को एबनॉर्मल हिसाब से रिएक्ट करते, जमी अल्प टी साउंड है कान को बंद करदे तो से सब जिन गुड़ाक ठीक करने नाना प्रकार व्यवस्था अच्छी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी कह जाए जो थी कि झूलण है स्लाइट है ट्रांपोलिन है ये सब जिनस व्यवहार करमुलाई को नॉर्मलाइज करने चेषा करेंगे। ता बाद जेहेतु ऑटिज्म गोटे इम्पोर्टेंट एज ग्रुप 2-5 वर्ष भितर हो पिलार शिक्षा डेफिनेटली अवनति होता है तो ताकू गोटे स्पेशल एजुकेटर रिक्वायरमेंट अच्छे जी कि एक अन्य उपाय चिकित्सा पद्धति दबो चिकित्सा पद्धति शिखेबा सो दैट से मूल रास्ता को आसी पारिबो। आउ गोटे इम्पोर्टेंट काम है साइकोलॉजिस्ट, माँ बापा मैंने जितेबाला जानते पिलाटा ऑटिस्टिक बोली से निश्चित भाव डिप्रेस हो जाती तेणु माँ बापा को नई कौन काम करहब ना ऑटिज्म कौन से चिकित्सा करहब ना तेणु आप सहायता पर साइकोलॉजिस्ट मानक बड़ भूमिका रही है। अनेक समय खाद्य को यह समस्या कारण बोली कह जाए थाए तेब संपर्क में विशेषज्ञ मत जाणी आसतु। ग्लूटेन फ्री कैजिन फ्री डाएट बहुत दिन है या बहुत गुड़े गवेषणा चली कहते ग्लूटेन फ्री कैजिन फ्री मान गहम विहीन एवं क्षीर विहीन खाद्य खाइले ऑटिज्म रा सिम्टम गुड़ाक कमिजिव, किंतु कौन से प्रकार वैज्ञानिक परीक्षार जना पड़ना जो यही खाद्यटा ऑटिज्म पे निहाती भाव में आवश्यक, किंतु जो मानकर सेंसिटिविटी अच्छी ग्लूटेन को किंबा कैजिन को सेंसिटिविटी अच्छी से मानकर जदि से खाद्यटा को खाइबे तार अंतनाली रे इन्फ्लेमेशन था जहाद्वारा कि किछटा केमिकल ता ब्लड को जाई कि ऑटिज्म रा सिम्टम्स गुड़ाक बढ़ाई देता है। तेणु नॉर्मली आम कहिबा जे यही सब खाद्य गुड़ा पदार्थ को बंद करवाटा युक्तियुक्त नुह, किंतु जदि गोटे शिशु को आम यही खाद्य बंद कला शिशुर किसी उन्नति होर सिम्टम्स किसी उन्नति होती से खाद्यटा को बंद करें। कितु मन रखा कथा जिते बड़े भी आपड़ किसी खाद्य बंद कर खाद्यपाई केतर उपादान डेफिसीयसी बड़ी हो पाए तेनाली भी सप्लीमेंटेसन करवाटा भी नितांत आवश्यक। अभिभावक माने धैर्यर सहित पिलार चिकित्सा कराइले धीरे धीरे पिलार व्यवहार रे उन्नति देखा जाए, तेबे ए क्षेत्र रे चिकित्सकंकर भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण। पेरेंट माने बेले बेले पिलांकु नेके आसंती जे पिलाटा कथा कहुनी आखि को आखि अनौनी
ତାକୁ କେବେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା କଥା। ସେ ଅଠର ମାସରୁ ଚବିଶ ମାସ ଭିତରେ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବା। ଥରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ଶିଶୁରୋଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଥେରାପିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଟିଜିମ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଟିଜିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେମିତିକି ସ୍ଲିପ୍ ଡିଜର୍ଡ଼ର, ଯେମିତିକି ଏପିଲେପ୍ସି। ତ ତାହାର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଟେ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ହିଁ କରିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଏଟ୍ ଥେରାପିରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଅକୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ, ଅଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେଟର, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୋପରେସନ୍ ନେଇକି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ମୂଳ ସ୍ରୋତକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବା। ମାଆ ବାପାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡର ଅଛି ଯେ ଅଟିଜିମ୍ରୁ କ'ଣ ହେବ ମୋ ପିଲାକୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ୍କୁ କିମ୍ବା ନିୟର୍ ନର୍ମାଲ୍କୁ ଆସିଯାଇପାରିବ। ଦେଖାଦେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ତା'ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଝିଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ହାସଲ କରିବା ନ୍ୟାୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ ନ ପାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଲାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେଣି। ଏଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, କିଛି ସମୟ ଚାହେଁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଚାହେଁ, ଯାହାଠୁ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବ, କିଛି ଜିନିଷ କଥା ଶିଖିବ, କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ୍ଟା କେବେ ପିଲାକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପିଲାର କେମିତି କଥା କହିବାଟାକୁ କଥା କହିବାଟାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ଟାକୁ କମାଇବା, ଇମୋସନ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ, ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ଏହା କହିବା ଯେ ତିନି ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ର ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମଲ୍ଟି ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଜିକାଲି ମାଆ ବାପାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କ ଶିଶୁଟା ଦୁଇ ତିନିଟା ଭାଷା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶିଖୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଅନୁକରଣ କରିକି ଶିଖେ, ତାପରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିକି ଶିଖେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭାଷା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ତାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲି ଯେତେ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶଗୁଣା କରିକି ସେ ଫେରାଇବ।